हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल बिकम ब्लॉगर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल या फिर टाइटल या फिर जिस भी तरीके से इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया है, वह है IPL और इवेंट ब्लॉगिंग। इवेंट ब्लॉगिंग में $6,000 से भी अधिक की कमाई और 50 दिन के इस इवेंट में किस तरह से पूरा का पूरा गेम रहा है, किस तरह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, कहाँ से ट्रैफिक लाया, अर्निंग कहाँ से हुई, खर्चा कितना हुआ, पूरा का पूरा A to Z समझेंगे इस वीडियो में। पूरा का पूरा ओपन केस स्टडी है। आई होप कि आपको यह केस स्टडी देखकर ब्लॉगिंग के फील्ड में आगे कुछ करने का मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही एक तरह का ओपनली एक बात कहता हूँ कि आपको इस तरह की वीडियोस से कुछ ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि करना आपको खुद से होता है। तो इस वीडियो में आपको एक प्लानिंग के बारे में भी बताऊंगा, जो कि आपको समझने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस केस स्टडी के साथ साथ समझते हैं कि किस तरह से आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है और किस तरह से इस तरह के टारगेट्स को अचीव करना है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएं, केस स्टडी की ओर चलें, उससे पहले एक रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सी वीडियोज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो भी चाहने वाले हैं, वो लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो आप भी जाकर उन वीडियोज़ को चेकआउट कीजिए। चैनल काफ़ी वीडियोज़ हैंडल कर चुका है, 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ आ चुकी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर फर्स्ट टाइम हमारे किसी भी वीडियो को आप देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह जो हमारा केस स्टडी है वह है कम्प्लीटली IPL का। तो IPL जो है इस बार काफ़ी लेट से हुआ है, तो हम लोग भी जो ब्लॉगर्स हैं, इवेंट ब्लॉगर्स हैं, वो काफ़ी लेट से काम किया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि IPL 2020 के इस इवेंट ब्लॉगिंग में ऑलमोस्ट 50 दिनों में किस तरह से ऑलमोस्ट 5 लाख का गेम बना है, और पूरा चीज़ समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैं आपको क्विकली इंसाइट्स दे देता हूँ अपने इस पूरे के पूरे केस स्टडी का। तो पहला जो इंसाइट है वह है मेरे पास कितने ब्लॉग थे इस कंप्लीट इवेंट ब्लॉगिंग में। तो मैंने एक डोमेन नेम का इस्तेमाल किया, लेकिन ब्लॉग दो था। यस, एक मेन डोमेन था www-.com, फिर उसी का एक सब डोमेन था। तो मैंने दो ब्लॉग्स को इस्तेमाल किया। होस्टिंग कौन सी यूज़ की गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रहता है कि ट्रैफिक जब ज़्यादा होता है तो होस्टिंग सह नहीं पाता है। तो मेरे ब्लॉग पे अगला जो इंसाइट है वो ट्रैफिक का ही है, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 1 मिलियन प्लस है। तो इससे बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि होस्टिंग कौन सा इस्तेमाल करें, क्या होस्टिंग रहता है, उसके बारे में तुरंत बात करेंगे। अभी के लिए जान लीजिए कि क्लाउड होस्टिंग था। अर्निंग क्या हुआ, अर्निंग काफ़ी अच्छा इंसाइट होता है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो अर्निंग जो हुई है वह लगभग $6,000 से भी ज़्यादा है, $6,100 से ज़्यादा है। इसको भी ब्रेक डाउन करके पूरा का पूरा समझेंगे। और खर्च वर्च का जो हिसाब रहा है वह $775 के इर्द गिर्द रहा है। अब एग्जैक्टली तो कैलकुलेट कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो ओवरव्यू देख सकते हैं वह ऑलमोस्ट $800 है। तो चलिए अगला इंसाइट आपके बीच रखता हूँ, वह है ब्लॉग के बारे में। तो ब्लॉग का जो डोमेन नेम है वह ऑलमोस्ट 3 साल पुराना मैंने इस्तेमाल किया है, .com डोमेन था। चूँकि ट्रैफिक जो है वह सर्च से नहीं आया था, इसलिए ज़्यादा ये फ़र्क भी नहीं पड़ता है। होस्टिंग प्लान जो मैं यूज कर रहा था वो था डिजिटल ओशन का। आप सभी को अगर नहीं पता है तो डिजिटल ओशन एक क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर है, जो कि काफ़ी अच्छा है, इंडस्ट्री में लोग इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं इस्तेमाल करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ट्राई आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें है कि साइड वाइड सेटअप करने में मुश्किल होती है, लेकिन एक बार साइट अगर आप चला लेंगे तो स्पीड वगैरह या फिर साइट का डाउन उन होने का चांसेस बहुत कम रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइएगा तो आपको कुछ साइन अप बोनस वगैरह भी मिल सकता है, तो चेक कर लीजिए। उसके बाद CMS ऑब्वियसली बहुत से लोग यूज़ करते हैं, और हमने भी वर्डप्रेस का इस्तेमाल किया है। मैंने थीम्स और प्लगइन्स में इन्वेस्ट नहीं किया है। तो थीम जो फ्री आता है, एक आयन मैक करके है, उसका इस्तेमाल हुआ है। और जो बेसिक प्लगइन्स है, योस्ट का SEO, क्लासिक एडिटर, TinyMC एडवांस, शॉर्टकट अनलिमिटेड, एड इंसर्टर, AMP और W3 टोटल कैश, इस तरह के जो भी फ्री जो प्लगइन्स है उसका इस्तेमाल हुआ है, और भी कुछ खास प्लगइन इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे कंटेंट के लिए क्या प्लानिंग थी। तो आप सभी को पता है कि IPL इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का बहुत बड़ा लीग होता है, जिसमें ऑलमोस्ट मतलब हजारों लोग तो डायरेक्टली जुड़े हैं उस बिजनेस से, और लाखों करोड़ों लोग उससे इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो
वो काफ़ी अच्छा गेम है, ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छा आता है। तो इसके लिए मैंने जो प्लानिंग की है उसका एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, जो कि यहाँ पे है, और कंप्लीट ब्लूप्रिंट है, आप समझ सकते हैं। बाकी आई बटन में लिंक मिलेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल यही बता सकता हूँ कि डेली 5 से ज़्यादा पोस्ट करने का मेरा टारगेट रहता था, और कहीं ना कहीं हमने अचीव भी किया है उसको। एक तो पोस्ट होता था, लाइव अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होती थी, फिर मैच के बाद होता था, मैच कौन जीता कौन हारा, मैच के रिपोर्ट्स क्या रहे हैं, फिर मैच का हाइलाइट्स क्या रहा है, कौन किस तरह से छक्के मारा क्या, वीडियो हाइलाइट्स के बारे में हम बात करते थे। उसके बाद भी ये वीडियोज़ जो हैं, कई बार क्या होता है कि किसी मैच में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर होता है, कहीं फाइटिंग हो जाती है, कहीं हैट्रिक विकेट हो जाता है, कहीं हैट्रिक सक्सेस हो जाती है, कहीं कुछ चैटिंग हो जाता है, कुछ तो ऐसा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट होता है, ट्रिगर पॉइंट, जो फैंस को काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट, फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होता है, या फिर सोशल मीडिया पे भी वायरल होता है, तो वो वीडियो हम करते हैं। तो इस तरह से 5-6 पोस्ट हम डेली के करते रहे। ट्रैफिक की बात करें तो हमारे पास 2 ट्रैफिक सोर्सेज थे, मेनली ट्रैफिक सोर्स तो एक ही है, लेकिन 2 मेथड्स थे। मेरा मेन जो ट्रैफिक सोर्स रहा है वह फेसबुक ही रहा है, 92-99% ट्रैफिक आप समझ लीजिए फेसबुक से ही था। और फेसबुक में ही 2 पार्ट होते हैं, एक ग्रुप का पार्ट होता है और एक पेज का पार्ट होता है, तो हमने दोनों ही इस्तेमाल किया। ग्रुप्स तो लगभग 20 ग्रुप्स में हमने पेड तरीके से प्रमोशन कराया अपने लिंक का, और लगभग 5 से 6 पेजेस पे हमने पेड प्रमोशन कराया। तो ग्रुप्स हमारे पास अपने भी थे, खुद के भी ग्रुप्स थे, जिनमें बहुत अच्छे खासे मेंबर्स रहे हैं। बाकी मैंने उस ग्रुप को बाद में बेचा भी, जिसका भी वीडियो हमने रिसेंटली डाला था, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी उसको मैंने अर्निंग के भी रूप में काउंट किया, क्योंकि ग्रुप भी IPL के दौरान बिल्ड किया गया था और फिर उसको सेल आउट किया, तो कहीं ना कहीं वो एक अर्निंग का हिस्सा बन जाता है। तो चलिए, अब बात हम ट्रैफिक के बारे में कर लिया है, तो ट्रैफिक का लाइव प्रूफ भी देख लेते हैं एनालिटिक्स में जाके, ताकि कुछ डाउट ना रह जाए। तो 2 हमारे पास ब्लॉग थे, एक का रिपोर्ट ए रहा, दूसरे का ए रहा। तो चलिए दोनों को पहले रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि किस तरह का दोनों रिपोर्ट है, क्या टॉप पेजेस हैं, कितना पेज व्यू है, बाउंस रेट क्या दिख रहा है आपको, टाइम ऑन पेज, तो इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो रिफ्रेश होकर जो हमारे पास डाटा आएगा वो भी एग्जैक्टली सेम दिखेगा जो पहले दिख रहा था, क्योंकि मैंने पहले से ही रिफ्रेश करके रखा था। हालांकि आप सभी के मन में कुछ डाउट ना रह जाए, मतलब ट्रस्ट का, तो इसलिए मैंने रिफ्रेश कर दिया है। तो डाटा लोड होने के बाद आपको सामने दिखेगा कि दोनों ही ब्लॉग पे आधा आधा मिलियन से ज़्यादा का ट्रैफिक रहा है। अब 2 ब्लॉग मैं इसलिए मेंटेन कर रहा था कि होस्टिंग में कुछ इशू हो जाए तो 1 ब्लॉग हमारा हमेशा लाइव रहे, तो इसलिए इस मकसद से 2 ब्लॉग इस्तेमाल किया गया था। तो दूसरे ब्लॉक पे आप, पहले ब्लॉक पे आप देख सकते हैं कि 6,10,000 का ट्रैफिक है, बाकी 4 लाख यूनिक पेज व्यू है, इतना पेज व्यू था, इतना यूनिक पेज व्यू है, बाकी 1 मिनट से ज़्यादा लोग टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे थे। इन सब डाटा से उतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे, क्योंकि सारा का सारा सोशल मीडिया से ट्रैफिक था। अगर टॉप पेजेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट्स 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 और हाईलाइट्स। तो इतना बड़ा एक चीज़ है जिसको मैं फिर यूट्यूब पे बड़ी आसानी से बता रहा हूँ कि अगर आप IPL या फिर किसी भी क्रिकेट मैच के दौरान या फिर किसी भी स्पोर्ट्स गेम में अगर हाइलाइट्स की वीडियो डालें, हाइलाइट्स का पोस्ट डालें, तो काफ़ी ज़्यादा चलता है। आप देख सकते हैं एक एक पोस्ट पे 1-1 लाख से भी ज़्यादा का ट्रैफिक है। तो दोस्तों, इस तरह के रिवील के लिए 1 लाइक तो बनता है कि मैंने इतना बड़ा चीज़ रिवील किया है कि अगर आप स्पोर्ट्स में हाइलाइट्स की वीडियो डालते हैं, यानी कि अपने पोस्ट के थ्रू वीडियोज़ को डालते हैं, तो 1 लाख से भी ज़्यादा का ट्रैफिक आएगा। दूसरे ब्लॉग पे भी देखें तो 5 लाख का ट्रैफिक रहा है, तो यहाँ भी आपको हाइलाइट्स वाली वीडियोस पे लगभग 90,000 30-40-25 हज़ार का ट्रैफिक दिख रहा होगा। तो यहाँ भी आप देख लीजिए, 5 लाख पेज व्यू यहाँ हो गए और 6 लाख पेज व्यू यहाँ, तो 11 लाख पेज व्यू, मतलब 1 मिलियन से भी ज़्यादा का पेज व्यू। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो कि आपको दिख रहा होगा कि 19 सितंबर से लेके 10 नवंबर, यानी कि IPL के पहले मैच से फाइनल मैच के बीच 50 दिनों का ऑलमोस्ट यह पूरा गेम रहता है, तो वहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अपने अर्निंग की। तो अर्निंग में भी हमारे 2-3 सोर्सेज रहे हैं। पहला सोर्स जो है गूगल एडसेंस है, जिसके बारे में भी हम तुरंत बात करेंगे, लाइव प्रूफ भी देखेंगे। दूसरा जो हमारा है वो है ग्रुप प्रमोशन का, और तीसरा है ग्रुप सेलिंग का। ग्रुप प्रमोशन इस तरह से हुआ क्योंकि हमने जो ग्रुप्स बनाए थे अपने लिए, उसमें बहुत से लोगों ने प्रमोशन करने के लिए हमें अप्रोच किया, वो चाहते थे कि उनकी भी पोस्ट चले, उनके ऐप का प्रमोशन हो मेरे ग्रुप में। तो वहाँ से भी हमने कुछ ऑर्डर्स एक्सेप्ट किए, उन लोगों का प्रमोशन अपने ग्रुप में भी किया। हालांकि मैं रिवर्स में भी काम कर रहा था, अपने पेजेस का भी, अपने पोस्ट का भी प्रमोशन करा रहा था दूसरे ग्रुप में, लेकिन हमने भी कुछ प्रमोशन एक्सेप्ट किए, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ अर्निंग जरूर हुई है। बाकी फिर IPL के बीच में ही हमने ग्रुप को सेल आउट कर दिया, जो कि काफ़ी अच्छा रेवेन्यू दे गया, तो भी मैंने अर्निंग में काउंट किया है।
लेकिन सबसे बड़ा अर्निंग सोर्स गूगल एडसेंस, उसकी बात करते हैं। उसके लिए हमको चलना होगा एक बार फिर से अपने एडसेंस अकाउंट में और इसको रिफ्रेश करना होगा। चूंकि मैंने रिपोर्ट्स को सेव करके रखा है, तो मैंने 2019 में भी आईपीएल को कवर किया था, वहां से भी मैंने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बनाया था। तो चलिए सबसे पहले उसी को देखते हैं कि 2019 में किस तरह का हमारे पास रिपोर्ट आया था, और फिर देखते हैं कि 2020 में किस तरह का रिपोर्ट है। तो आपको भी सामने साफ साफ दिख रहा होगा कि 2019 में जो हमारा रिपोर्ट रहा था वो ऑलमोस्ट 878 डॉलर दिख रहा है। 2 लाख का पेज व्यू था और 800 डॉलर हमारी अर्निंग हुई थी। और यही है पूरा एक दिन में, आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 87 डॉलर का अर्निंग हुआ था, जो कि काफ़ी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहा था मेरे लिए उस वक्त का। लेकिन आईपीएल 2020 मेरे लिए उससे भी बहुत बड़ा सक्सेस साबित हुआ, जब मैंने इसी 50 दिन के दौरान 5,000 से भी ज़्यादा का मतलब 5,000 डॉलर से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो मेरा एवरेज अर्निंग ही था वही 100 डॉलर से भी अधिक का था। हर रोज़ 100 डॉलर से ज़्यादा का अर्निंग हो रहा था। एक दिन तो मतलब मैक्सिमम की बात करें तो 234 डॉलर, और भी कई दिन आए हैं जब अर्निंग जो है 200 डॉलर को क्रॉस किया था। तो काफ़ी अच्छा इंसाइट मेरे लिए भी रहा और काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये इंसाइट। बाकी यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कि 11 लाख का ट्रैफिक है, जो कि आपको एनालिटिक्स वाले प्रूफ से मैच कर रहा है। तो आई होप कि ये जो कंप्लीट प्रूफ्स वाली चीज़ें हैं वो आपको मैच कर रही होगी। बाकी अगर कुछ भी इसके बारे में आप समझना चाहते हैं कि किस तरह से ये पूरा केस स्टडी है, किस तरह से मैंने किया है, तो उसके लिए आपको एक लिंक मिलेगा, उससे जाके आप बढ़ सकते हैं मेरे ब्लॉग को। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ अपने तरफ से बताया है, थोड़ा सा इंसाइट्स भी शेयर किया है, कुछ प्रूफ्स भी हैं, और बाकी कमाई खर्चा इन सब का कुछ रिपोर्ट भी शेयर किया है। और बाकी यहाँ पे कमेंट करके हम लोग इजली यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाएंगे कि हाँ आगे पीछे क्या क्या आपको करना चाहिए। बाकी आप सभी के लिए एक फाइनल जो आप सभी को मैं मैसेज देना चाहूँगा वो यही होगा, किस तरह की वीडियोज़ आप बहुत देखेंगे यूट्यूब पे, ट्रैफिक प्रूफ, अर्निंग प्रूफ, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी का। मैं पिछले 3, 4, 5 सालों से कंसिस्टेंटली ब्लॉगिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल भी रहा, लेकिन उन सभी चीज़ों को मैंने छोड़ के अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखा। तो आप भी कंसिस्टेंटली वर्क कीजिए और यूट्यूब पे भी वीडियोस देखते रहिए, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है वर्क करना, अपने पोस्टिंग करना, अपने तरफ से ग्राफिक्स को अच्छे करना, अपने तरफ से ब्लॉग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहिए, वहाँ पे काम कीजिए, ना कि इस तरह से टाइम वेस्ट करते रहिए वीडियोज़ देख के। और बाकी आप हमारे चैनल पे आ ही गए हैं इस तरह से वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो और भी प्लेलिस्ट्स हैं, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, उसको जाके देखिए। ये तो जस्ट एक केस स्टडी टाइप का वीडियो था। और आप मुझे बताइए कि क्या मैं अपने और भी सक्सेसफुल साइट्स की केस स्टडी लाऊं, वहाँ पे गूगल से भी ट्रैफिक आ रहा है, कई सारी साइट्स हैं जिसको मैं आपके बीच रख सकता हूँ। तो कमेंट में बताइए क्या किया जाए आगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही वापस जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।